सो हेलो मेरे भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। वैसे तो मैं ये वाला वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन क्या करें यार, जब मैं अपना हिस्ट्री चेक कर रहा था जहाँ पर मैं थंबनेल्स वगैरह रखता हूँ, वहाँ पर मुझे ये वाला थंबनेल मिल गया। तो फिर मैंने बोला इस पे मैंने तो वीडियो बनाया ही नहीं है, चलो बना देते हैं। सैंक्स का फ्यूचर प्लान क्या हो सकता है? सबसे पहले तो सैंक्स वन पीस का वो कैरेक्टर है ना, जिस तरह से नारुतो में इताची था, जो बस झलक दिखाने के लिए आता था बस कुछ सेकंडों के लिए, और उसके बाद वो इस तरह का कांड करके जाता था ना कि उसको मतलब उसका इम्पैक्ट पूरा पड़ा रहता था पूरे उस आर्क में। उसी तरह से सैंक्स भी है, चाहे वो मरीन फोर्ड वॉर ले लो, जिस तरह से बंदा आके रोका था ना, शायद ही कोई और योंको होता जो रोकने का दम रखा था। इसके अलावा व्हाइट बियर्ड से जब वो मिलने गया था भाई लास्ट में क्लैश, वो पहला कॉन्करर हॉकी क्लास हमें दिखाया गया था, वहां पर हमें पता चलता है कि सैंक्स कितना ज्यादा पावरफुल है। यही नहीं रुका ये बंदा, इसने काइडो को तक रोका था मरीन फोर्ड में आने से पहले। पर अब क्या वो फ्यूचर में क्या करेगा? क्या अब वो जाकर के ब्लैक बियर्ड से फाइट करेगा? आज अपन उस बारे में भी बात करेंगे। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, सैंक्स वन पीस का वो कैरेक्टर है ना जो जानता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट कहाँ तक फैली हुई है। बहुत लोगों को लगता है कि भाई फ्लीट एडमिरल से ऊपर कोई होता नहीं है, वहीं तक होता है वर्ल्ड गवर्नमेंट का राज। कुछ लोगों को लगता है कि गोरोसे तक होता है, गोरोसे से ऊपर कोई नहीं होता है, लेकिन इसका कॉन्टैक्ट यार ईमू सामा तक का है, जिसके आगे फाइव एल्डर्स भी जाकर के सर झुकाते हैं। मैं एक चीज जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर ईमू सामा का रियल फेस क्या है, वो लड़का है या लड़की है, उसकी आंखें हॉकाई की तरह क्यों मिलती जुलती है, वो चीज यार मुझे खुद जानना है। अब ये बात शायद सैंक्स को पता होगा और ईमू सामा ही जाने, क्योंकि उसका बारे में किसी और को नहीं पता। सैंक्स को भी पता है कि नहीं, ये बात मैं सही से नहीं कह सकता। एक और चीज जो वन पीस कम्युनिटी में बहुत ज्यादा फेमस है, खासकर हमारे इंडिया में, फॉरेनर वालों ने साला ये फेक थ्योरी बना करके उसको प्रचलित कर दिया, और उसके बाद हमारे इंडियंस क्या करते हैं, आधे से ज्यादा लोग साला यही चीज मान के रखे कि सैंक्स हो सकता है सीरीज का मेन विलन हो, क्योंकि लूफी को बचाना, उसको हैट देना, वो वन पीस को जा करके खोजे, ये वगैरह वगैरह, वो सब सैंक्स का प्लान था। ब्लीच थोड़ी चल रहा है कि आइजन आके बोले दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ माय प्लान। सबसे मेन पॉइंट, सैंक्स ने जब लूफी की जान बचाई थी उस वक्त लूफी ने कोई ऐसा बात नहीं बोला था जिससे सैंक्स इंस्पायर्ड होकर उसको अपना हैट दे दे। भाई उस वक्त तो सैंक्स लूफी को अपने क्रू में तक लेने से इनकार कर रहा था। जब सैंक्स ने लूफी की जान बचाई उसके बाद, अगर तुम्हें याद होगा तो सैंक्स ने बेन बैकमैन के कान पे जाके कहा था, इसने वही सेम चीज बोला जो रॉजर ने कहा था, और वो कौन सी बात बताई थी, वो अभी तक जो हाइड करके रखा गया, आखिर लूफी ने कौन सा बात बोला था? वहां पर लूफी ने अपना ट्रू ड्रीम बताया था, इसी वजह से सैंक्स ने अपना हैट लूफी को दिया था। नेक्स्ट सबसे मेन पॉइंट, और ये 100% ऑफिशियली कन्फर्म है, ओडा ने सैंक्स का कैरेक्टर खुद से इंस्पायर्ड होकर बनाया है। जो सैंक्स की जो पर्सनैलिटी है ना वो ओडा से मिलती है, और कोई भी राइटर अपने सीरीज का मेन विलन खुद के पर्सनालिटी को नहीं रखता है। मेरे भाई एक और चीज तुम्हें याद है, जब सैंक्स ने लूफी को अपना हैट दिया था और वहां पर कहा था कि जिस दिन तू मुझे सरपास कर देगा उस दिन ये हैट मुझे वापस कर देना, वो लेजेंडरी सीन, उस सीन का ट्रू मीनिंग पता है? नहीं मालूम ना, मैं तेरे को बताता हूँ। जिस तरह से सैंक्स ने लूफी को अपना हैट दिया था और उसके बाद लूफी इंस्पायर्ड होकर के उस हैट को लेकर के वो वन पीस की जर्नी में चल गया वन पीस को खोजने के लिए, उसी तरह से ओडा ने हमें वन पीस दिया और उसके बाद हम उसके पीछे पीछे वन पीस की जर्नी पे चल गए, और हम अब भी उसी के जर्नी पे एंजॉय कर रहे हैं। वैसे मेरे भाई तुम लोगों को क्या लगता है सैंक्स फ्यूचर में क्या कर सकता है, तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। मेरे को जहां तक लगता है कि सैंक्स जरूर आएगा, क्योंकि अगर ब्लैक बियर्ड कुछ भी करता है सैंक्स उसको रोकने के लिए आएगा, और वो फाइट मैं जरूर देखना चाहूंगा। जिस तरह से अटैक ऑन टाइटन में लिवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन का फाइट फेमस है ना, उसी तरह वन पीस के वर्ल्ड में ना ब्लैक बियर्ड वर्सेस सैंक्स जब होगा ना भाई तबाही आ जाएगा। भले ही वो फाइट कोई भी जीते मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो फाइट होगा ना भाई इंटरनेट में बवाल आ जाएगा। मुझे जहां तक लगता है सैंक्स को वानों के एंड में आना चाहिए। अब वो रीजन मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुम देखो लूफी मार खा के पूरा पड़ा होगा, मतलब काइडो भी हो सकता हार जाए, बट लूफी का भी तो अधमरा जैसा हालत हो गई। काटाकुर के खिलाफ जब फाइट हुआ तो तुमको याद है किस तरह से हाल हो गया था लूफी का। तो ये है कि उसके बाद वानो पूरी तरह से फ्री हो जाएगा, पर हो सकता है कि सीपी जीरो कब्जा करना शुरू कर दे पूरे वानो के ऊपर, और उस वक्त सभी के सभी सामुराई जो पूरी तरह से थके होंगे, तो हो सकता है कि उन लोगों के पास दम ना हो उनके खिलाफ लड़ने का, तो हो सकता है कि सीपी जीरो मरीन को बुला ले और कब्जा करना शुरू कर दे। अब उस वक्त रोकने का दम किसके पास होगा? मान लेते कि बिग मॉम किसी तरह से वहां से फाइट में हट जाती है, क्योंकि अगर वो वहां पर खुद रही ना वो खुद वानो को अपने कब्जे में ले लेगी,
किड और लॉबी वो लोग दोनों भी थके होकर के अधमरे से पड़े होंगे, तो उस वक्त अगर कोई रोक सकता है तो वो है सैंग, वरना कोई नहीं। हो सकता है वहां पर ब्लैक बियर्ड भी आ जाए, पर ब्लैक बियर्ड अभी कहां पर जाने का प्लान बना रहा, जो कि हमें रेवरी में देखने को मिला था, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। टेंशन मतलब वो भी मैं ब्लैक बियर्ड के ऊपर बनाने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, वो वीडियो जो नेक्स्ट वीक आएगा। आज के लिए यहीं तक था वीडियो, आई होप तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक मारना मत भूलना, और अगर तुम इसी तरह से वन पीस रिलेटेड वीडियो चाहते हो हिंदी में, तो प्लीज यार मोटिवेशन के लिए अगर तुम इस चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। उसके अलावा तुम लोग मुझे डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी ज्वाइन कर सकते हो, 10,000 सनी मैं और रूफी को दोनों चलाते हैं। खैर फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।